How will you? चेक the evil स्पिरिट्स थ्रू केपी एस्ट्रोलॉजी जब भी आप इवल स्पिरिट्स या प्रेत आत्मा भूत प्रेत को चेक करेंगे तो वो आपके ज्यादातर हॉन्टेड घर होते हैं भवन होते हैं यू विल फाइंड इन दीज प्लेसेस विच आर हॉन्टेड मेजरली और आप सबको पता है कि इस विल स्पिरिट से संबंध किस प्लानिट का है वो राहु का है आदमी कब इन स्पिरिट्स को ज्यादा एक्सपीरियंस करता है हम सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में एक saying है योग बताता है कि ये घटित होगा दशा बताती है कब घटित होगा तो जब दशा आएगी राहु की या राहु से एसोसिएटेड जो भी ग्रह होंगे जो युति में होंगे या एस्पेक्ट बना रहे होंगे उस टाइम इसको ये इविल स्पिरिट्स का एहसास होगा व्यक्ति को सबसे पहले हम चौथे सीएसएल पर नजर मारेंगे उसकी हम भाव चलित में प्लेसमेंट देखेंगे क्या चौथा सीएसएल राहु से संबंध तो नहीं बना रहा है या राहु चौथे घर से संबंध तो नहीं बना रहा है

चौथा सी एस एल बन जाए चौथे घर का फोर्थ हाउस का सीएसएल बन जाए तो उसके घर में कहीं ना कहीं आपको ये प्रेत आत्माएं इविल स्पिरिट्स का एहसास होगा नेगेटिव एनर्जीज का एहसास हो जाएगा पॉइंट नंबर टू अगर राहु चौथे सीएसएल का नक्षत्रा लॉर्ड बन जाए क्योंकि तो हम सब जानते हैं कि प्लैनेट अपना रिजल्ट नक्षत्र के थ्रू देता है अगर चौथा सी एस एल आपका सूर्य है और तो उसका एनल राहु बन जाता है तो हम बोलेंगे कि इसके घर में पॉसिबिलिटी है इवल स्पिरिट्स की तीसरा अगर राहु खुद ही भाव चलित में चौथे घर में प्लेस हो जाएगा चौथे भाव में बैठ जाएगा तो भी आप बोल सकते हैं कि इविल स्पिरिट्स की मौजूदगी इस घर में या इस भवन में आपको मिल सकती है अगर फोर्थ सी एस ए लॉर्ड यूटी प्लैनेट है और उसका नक्षत्र राहु से संबंध बना ले युति के द्वारा या एस्पेक्ट के द्वारा अगर प्लेनेट देखो यूटी है वो बना ले संबंध राउ के साथ एस्पेक्ट या कंजंक्शन से तो भी आप मान लीजिए कि उसके घर पे प्रेत आत्माओं का निवास हो सकता है या अगर टेनेटेड है प्लेनेट उसका नक्षत्र युति में आ जाए या एस्पेक्ट में आ जाए राहु के साथ तो भी यू कैन टेल दैट इज प्लेस माइट बी हॉन्टेड द एस्पेक्ट्स एंड द दंजंक्शंस यू विल सी फ्रॉम द लगन चार्ट अब इसमें हम थोड़ा एस्ट्रो वास्तु ले आते हैं आप किसी भवन में एंटर कर रहे हैं उसकी वास्तु के लिए आपको बुलाया है आप एंटर करते समय प्रश्न कुंडली बना लीजिए और अगर उस प्रश्न कुंडली में राहु आपको चौथा सीएसएल लॉर्ड बन जाता है तो उस भवन में जिसमें आप एंटर करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ईविल स्पिरिट्स की मौजूदगी है अगर राहु फोर्थ राहुल का एन एल बन जाएगा नक्षत्र लॉर्ड बन जाएगा तो भी उस भवन में आपको कहीं ना कहीं स्पिरिट्स की या प्रेत आत्माओं की प्रेजेंस देखने को मिल सकती है अगर राहु उस प्रसन्न कुंडली में प्रसन्न कुंडली में फोर्थ घर में बैठ जाएगा भाव चलित चार्ट में तो भी हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि जिस भवन में हम जा रहे हैं उसमें कोई ईवल स्पिरिट्स का निवास हो सकता है अगर फोर्थ सी एस एल यूटी प्लैनेट हो और उसका संबंध राहु से हो जाए या फिर अगर वो टैलेंटेड प्लेनेट हो उसका एनएल का संबंध राहु से हो जाए यूटी या कंजंक्शन या एस्पेक्ट द्वारा तो भी हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति के जिस भवन में हम एंटर कर रहे हैं वहां ऐसी कोई इविल स्पिरिट्स की मौजूदगी हो सकती है so you will make this question, before you the भवन अब हम एग्जाम्पल ये ले लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में हमने बताया ऑप्शन वन में राहु ही प्रश्न कुंडली में फोर्थ सी एस एल बन जाता है तो हम बोलेंगे कि इस भवन में स्पिरिट्स की मौजूदगी हो सकती है एहसास कब होगा जब राहु की दशा चलेगी या वो प्लेनेट उसके साथ कंजंक्ट होगा या दृष्ट कर रहा होगा राहु तब एहसास होगा ऑप्शन टू यहां मंगल फोर्थ सी एस एल बना हुआ है और उसका लॉर्ड राहु है ठीक है जी सो ऑप्शन टू इज मंगल चौथे घर का नक्षत्रा लॉर्ड बना हुआ है और उसका राहु नक्षत्रा लॉर्ड बना हुआ है सो अगेन वी कैन से कि जिस भवन में हम एंटर कर रहे हैं उसमें कहीं ये प्रेत आत्माओं का निवास हो सकता है ऑप्शन थ्री राहु उस प्रश्न कुंडली में चौथे का लॉर्ड बन गया हो चौथे घर में ही बैठा हो ठीक है जी ऑप्शन फोर जब राहु युति में होगा फोर्थ सी एस एल के साथ या उसके एनएल के साथ हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि इस प्रश्न कुंडली में शनि फोर्थ सी एस एल है उसका नक्षत्र लॉर्ड मर्करी है मर ग्री और शनि यहां दोनों राहु के साथ युति में बना के बैठे हुए हैं तो हम बोलेंगे जिस भवन में हम जा रहे हैं यहां इवल स्पिरिट्स की मौजूदगी हो सकती है ओके ऑप्शन फाइव राहु दूसरे घर में बैठा है जो हमने प्रश्न गुंडी बनाई और आठवें घर में यहां शनि और मरकरी आगे शनि फोर्थ हाउस का सीएसएल लॉर्ड था मरकरी उसका एनएल था तो हम ये दृष्टि से एस्पेक्ट से हमें पता चल रहा है कि राहु ने एक संबंध बना लिया है फोर्थ सीएसएल से और फोर्थ सीएसएल के एन एल से तो ऐसे हमें ये पांचों ऑप्शंस मैंने आपको इस कुंडली के माध्यम से समझाई अब आपने देखा कि जो अभी हमने एग्जाम्पल दिखाया आपको वहां राहु अगर चौथे का सीएसएल बन जाएगा तो आप बोलेंगे ये भवन वॉन्टेड या इविल स्पिरिट्स का या निवास है निवास हो सकता है अगर ये जो प्रश्न कुंडली हमने दिखाई इसमें अगर उदाहरण के तौर पे मंगल सी एस था और राहु उसका एनएल बन जाता है तो भी हम ये बोल सकते हैं कि यहां इविल स्पिरिट्स इस भवन में निवास कर सकती है ऐसी ऑप्शन थ्री राहु अगर फोर्थ हाउस में बैठ ही जाएगा तो संबंध बना लेगा कहने का अर्थ यह है राहु को फोर्थ हाउस से संबंध बनाना है सीएसएल के भाव से या फोर्थ हाउस के सीएसएल का एनएल बन जाए या फोर्थ हाउस में बैठ जाए या फोर्थ हाउस का प्लेनेट या फोर्थ हाउस का नक्षत्र उससे युति या एस्पेक्ट द्वारा संबंध बना ले तनु जी अभी मैं आपका क्वेश्चन लूंगा इसे खत्म कर लू क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत लंबा है मैं दो मिनट में लेता हूं आपका क्वेश्चन ये मैं थोड़ा वास्तु इसमें आपको बता दू अब आप लोगों को पता है कि पीड़ा का घर कौन सा है और सब लोग भली बात ही है कि पीड़ा का घर आठवां घर है जो आपको दुख देता है दर्द देता है सफरिंग देता है, है एक्सीडेंट्स देता है सर्जरीज ऑल ऑफ सडन इवेंट्स देता है अन इवेंट्स का भी कारक आठवां घर है किसी प्रकार का भी अनैचुर इवेंट होना आठवें घर से देखोगे कोई अनैचुरल क्लैमिटी होना अनएथिकल भी घर आठवां घर है तो वी विल सी हम जब एस्ट्रो वास्तु करेंगे किसी ने आपको बताया कि भैया मेरे यहां भूत प्रेत रहते हैं आप ढूंढोगे कहा सारे घर में तो आप ढूंढोगे नहीं ना कोई जोन में ही ढूंढोगे तो जब आप ये प्रश्न कुंडली बनाएंगे आपको ये पता चल गया हमारे ये सेट ऑफ रूल से जो हमने पांच लगाए कि राहु का कनेक्शन चौथे भाव से है अब इस व्यक्ति को कब एहसास होगा ये फियर ये भूत प्रेत या इविल स्पिरिट्स वो तब एहसास होगा जब इन प्लैनेट्स की दशा चलेगी राहु की चलेगी या राहु जिसका एनएल बना होगा उस प्लैनेट की या राहु युति में होगा या एस्पेक्ट में होगा या राहु जब चौथे घर में बैठेगा उसके जब लॉर्ड की दशा चलेगी तो भी इफेक्ट आएगा तो अब आप कैसे चेक करेंगे कि कौन से जोन में है ये ईविल स्पिरिट एग्जाम्पल इस कुंडली में हमने चेक करा जो भी ऊपर बनाई थी कि मंगल आठवें का सीएसएल लॉर्ड बना हुआ है और मंगल इस कुंडली में जो ये ऊपर हमने प्रश्न कुंडली लगाई है एरीज राशि में बैठा है और ये आठवें का सीएसएल बन गया है तो हमें पता है कि आठवां पीड़ा का भाव है इसको पीड़ा कौन से डायरेक्शन से आएगी इस ईवल स्पिरिट्स का कनेक्शन कहा होगा तो मंगल मेष लगन में या एरीज राशि में बैठा है एरीज राशि की डायरेक्शन आपको पता है कि ईस्ट होती है और मंगल की सोर्स डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूं वो साउथ है तो इस भवन में जिसमें आप एंटर कर रहे हैं उस भवन में आपको ईस्ट जोन में या फिर साउथ जोन में मंगल की समान मिलेगा सबसे पहली बात वह आप जब डाउजिंग के मेथड से वहां चेक करेंगे तो आपको वहां एनर्जीज इंबैलेंस मिलेंगी नेगेटिविटी एनर्जीज मिलेंगी वहां तो आपको ईस्ट जोन से और साउथ जोन से जो मंगल प्लेनेट है उसका सारा सामान हटा देना है और जो मंगल का नक्षत्र भी बना हुआ है उस डायरेक्शन से आपको सामान हटा देना है अगर मंगल का नक्षत्र कोई और डायरेक्शन में बैठा है तो उस डायरेक्शन से भी हटाएंगे आप इस सामान हटाने के बाद हम उस जोन की सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे कलर थेरेपी के हिसाब से एलिमेंट्स मेटल्स के हिसाब से पिरामिड्स क्रिस्टल्स या कोई भी वास्तु और रिलेटेड जो एनर्जी फील्ड्स होंगी या देवता की होंगी उस हम फील्ड को बैलेंस करेंगे और ब्रास की एक स्ट्रिप लगा देंगे उस जोन में बैलेंस करने के लिए तो आपको पूरा घर छानने की जरूरत नहीं है आपको ये एस्ट्रो वास्तु ये बता देगी कि इविल स्पिरिट्स की मौजूदगी कौन से सेक्शन में है घर के और इस इविल स्पिरिट्स का सिर्फ एक ही एक ही उपाय है एक ही रामबान है वो है रुद्र अभिषेक या शिव पूजन और कोई रेमेडी नहीं है आप आर्टिकल्स हटा देंगे मंगल के उस जोन से और आप शिव पूजन के लिए रिकमेंड करेंगे इस व्यक्ति को ठीक है जी चलिए हाँ तन्नु जी आप कुछ पूछ रही थी पूछिए सर मैं बस ये पूछ रही थी कि आपने उसमें थर्ड जो लिखा है कि राहु जो है फोर्थ हाउस में ही बैठा है ठीक है इन भाग चलित बट सर जैसे राहु की पोजीशन तो हम लगन कुंडली से देखते हैं तो फिर इसमें भाग चलित क्यों लिखा आपने ये थोड़ा सा समझ में नहीं नहीं। मैंने हमेशा हमेशा आपको एक बात बताई है सबको फिर रिपीट कर देता हूँ प्लेसमेंट्स हम भाव चलित से ही लेंगे राहु और केतु के भी सर प्लेसमेंट नॉट दृष्टि एंड एंगल्स उसमें जहां या एस्पेक्ट राशि डिस्पोजिटर वो सब हम राहु केतु का लगन से कुंडली बनाएंगे जब हम राहु केतु की स्क्रिप्ट लिखेंगे अगर तीसरे भाव में राहु है और भाव चलित में दूसरे में आ गया तो हम दो नंबर भी जोड़ेंगे अगर नहीं आ रहा होगा ये मैं हाँ बहुत बार बोल चुका हूँ हाँ प्लेसमेंट हमेशा प्लेसमेंट हमेशा आग बंद करके भाव चलित okay. ठीक ठीक है थैंक यू सर मेरा एक क्वेश्चन है जी मीना जी सर जैसे फोर्थ हाउस का जो कारक प्लेनेट है moon और वीनस है तो इनसे भी अगर कंजक्शन में होगा होगा और एस्पेक्ट होगी तो तब भी कह सकते हैं एविल स्पिरिट का मैंने आपको बताया ना कि राहु अगर सी एस एल लॉर्ड बना होगा ठीक है जो भी अगर मून फोर्थ का सी एस एल लॉर्ड होगा ठीक है हाँ जी और उसको कंजंक्शन में है राहु उसके साथ आठवें घर में बैठा है या छठे घर में बैठा है तो कंजंक्शन युति के माध्यम से वो फोर्थ सी के साथ कनेक्ट हो गया ना चंद्रमा छठे भाव में बैठा है और राहु और राहुल में बैठा है तो दृष्टि के माध्यम से कनेक्शन हो गया सर मुझे यही जानना था अगर मान लो कनेक्शन बनता है फोर्थ कारक से तो तब भी कहेंगे ना कि स्पिरिट है दी, दी, जिस भवन में आप प्रवेश करेंगे उस भवन में मौजूदगी हो सकती है ठीक है ठीक थैंक यू चलिए हाउ टू सी ब्लैक मैजिक अगर किसी व्यक्ति ने आप पे ब्लैक मैजिक कराया या नहीं कराया इसको हम कैसे जानेंगे आप सब लोगों को पता है कि ब्लैक मैजिक का कारक कौन है ब्लैक मैजिक का कारक एक ही प्लैनेट है जिसका नाम है राहु बट यहां हम राहु के साथ शनि को भी कंसिडर करेंगे क्योंकि शनि सौरव मिजरीज का भी कारक है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक काला जादू कब हो सकता है आपके ऊपर काला जादू कब होगा जब इस प्लैनेट की राहु या शनि की दशा चलेगी फिर रिपीट करता हूं योग बताता है ये घटित होगा दशा बताती है कब घटित होगा सो वेन द दशा विल कम देन समन कैन डू द ब्लैक मैजिक ऑन यू और हम सब जानते हैं कि पीड़ा का भाव आठवां है हम आठवें सीएसएल को रेफर करेंगे और उसके नक्षत्र लॉर्ड को रेफर करेंगे क्योंकि प्लेनेट रिजल्ट अपने नक्षत्र द्वारा देता है यहां हम देखेंगे कि आठवें सीएसएल लॉर्ड की जैसे वहां हमने चौथे सीएसएल लॉर्ड को चेक करा था खाली राहु के साथ यहां हम चेक करेंगे राहु और शनि के साथ अगर राहु या शनि आठवां सी एस एल बन जाएगा आपकी कुंडली में तो आप पे काला जादू होने की संभावनाएं हो जाएंगी अगर राहु या शनि आठवा सीएसएल के नक्षत्र लॉर्ड बन जाएंगे तो भी आप पे काला जादू होने की संभावना हो जाएगी अगर राहु और केतु आठवें भाव में ही बैठ जाते हैं तो भी संभावना हो जाएगी अगर राहु और केतु आठवां सी एस एल यूटी होगा उससे संबंध बना लेंगे दृष्टि या युति द्वारा तो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है अगर राहु और शनि प्लैनेट टेनेंटेड होगा आठवां सी एस एल उसके नक्षत्रा से दृष्टि या युति का संबंध बना लेंगे तो भी आप पे ब्लैक मैजिक हो सकता है युति और कंज़ंक्शंस को हम लगन चार्ट से देखेंगे प्लेसमेंट्स हमेशा हम भावचलित से देखेंगे तो जब हमने ये स्टेब्लिश कर लिया कि हम पे ब्लैक मैजिक हो सकता है तब हम कैसे जानेंगे कौन से व्यक्ति ने ये ब्लैक मैजिक करा हम पे वो हमें बताएगा एट सी एस एल का नक्षत्र अगर आदमी खुद तो अपने पे ब्लैक मैजिक करेगा नहीं अगर एट सी एस एल का नक्षत्रा लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाएगा तो आदमी स्वयं तो अपने पे जादू टोने करेगा नहीं हम फर्स्ट हाउस को रूल आउट कर देते हैं। अगर सेकेंड हाउस में बैठेगा तो हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति पे इसके किसी जॉइंट फैमिली मेंबर ने इस पे जादू टोना या ब्लैक मैजिक करा है या समवन फ्रॉम इस कुटुम्ब મે કિસીતે કિસીને ઇસપે બ્લેક મેજિક કરા હૈ અગર 8 csl કા નક્ષત્રા લોર્ડ થર્ડ હાઉસ મે બેઠ જાયેગા તો હમ બોલेंगे ઇસકે પડોશીઓ ને યા છોટે ભાઈન ભાઈઓ ને ઇસપે બ્લેક મેજિક કરા હૈ અગર 8 csl કા નક્ષત્રા લોર્ડ फोर्थ हाउस में बैठ जाएगा तो हम बोलेंगे इसकी मां ने यह मदर समान औरत ने जिसको ये मां मानता है उसने इस पे ब्लैक मैजिक करा है अगर एट सी एस एल का नक्षत्र लॉर्ड पांचवें भाव में बैठ जाएगा तो आप बोलोगे कि इस व्यक्ति पे काला जादू इसके बच्चों ने करा है अगर एट सी एस एल का नक्षत्रा लॉर्ड छठे भाव में बैठ जाएगा तो आप ये बोल सकते हो कि इस पे काला जादू इसके नौकर कर सकते हैं इंप्लॉइज कर सकते हैं इसके मामा कर सकते हैं और समवन फ्रॉम हिस्स मेटर्नल फैमिली या इसके दुश्मन कर सकते हैं छठा घर ओपन शत्रुओं का है वो लोग इस व्यक्ति पे काला जादू कर सकते हैं <coughs> अगर आठवें सी एस एल का नक्षत्र लॉर्ड सातवें घर में बैठ जाएगा तो हम बोलेंगे भैया इस पे काला जादू इसके स्पाउस ने वाइफ ने या कोई पार्टनर ने करा है ऐसी अगर आठवां सी एस एल का नक्षत्र लॉर्ड आठवें घर में बैठ जाएगा तो आप बोलोगे इस पे काला जादू इसके लॉज ने करा है ब्लैक मैजिक या कोई अनोन व्यक्ति ने करा है क्योंकि आठवां घर हिड़े है या कोई इसी तांत्रिक ने करा है किसी अननोन व्यक्ति के कहने पे या लॉज के कहने पे पर आठवां घर तांत्रिकों का भी है अगर किसी का एट सी एस एल का नक्षत्रा नाइन्थ हाउस में बैठेगा तो हम बोलेंगे कि इसके पिता ने इसके गुरु ने इसकी भाई की स्पाउस ने नहीं कि भाई की स्पाउस भाई तीसरा घर है छोटा बहन भाई तीसरा घर है उससे सातवां घर नौवां घर होता है तो इसमें हम ब्रदर की स्पाउस को भी गिन सकते हैं या इस पे काला जादू इसके गुरु टीचर या मेंटोर ने करा हो सकता है अगर आठवें सीएसएल का लॉर्ड आठवें सी एस एल का नक्षत्रा लॉर्ड दसवें भाव में बैठेगा तो हम ये बोलेंगे किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी ने कोई पॉलिटिशियन ने समवन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्कल सम ब्यूरोक्रेट कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति ने इस पे काला जादू परा अगर आठवें सी एस एल का नक्षत्र लॉर्ड ग्यारहवें भाव में बैठेगा तो आप बोलेंगे कि भैया समवन फ्रॉम इस सोशल सर्कल कोई यार दोस्त कोई बड़ा भाई भी हो सकता है ग्यारवा अगर बड़े भाई का भी है उसने इस पे काला जादू करा है अगर आठवें सी एस एल का नक्षत्र लॉर्ड बारहवें घर में बैठा है तो हम बोलेंगे कि भैया समवन फ्रॉम इसके फादर की साइड का किसी व्यक्ति ने इस पे काला जादू करा है बारवा घर हिडन एनिमीज का है छठा अगर ओपन एनिमीज का है तो कोई हिडन एनिमीज कोई हिडन शत्रु भी हो सकता है जिसने काला जादू करा हो इन द फॉरेन फॉरन लाइन अ ब्लैक मैजिक ऑन हिम तो ऐसे आप जान पाएंगे कौन से व्यक्ति ने ब्लैक मैजिक करा है आप जब तक इस काले जादू का निवारण या रेमेडी नहीं करेंगे कोई योग आपकी कुंडली में फलित नहीं होगा लेखित में ले लीजिए और इसका एक ही उपाय है शिव पूजन या रुद्र अभिषेक इस जादू टोने का ब्लैक मैजिक का सिर्फ एक ही उपाय है वो है महादेव की आराधना और कोई उपाय नहीं है मैं आपको एक कुंडली दिखा देता हूं जिस पे ब्लैक मैजिक हुआ है सिम्टम क्या होगा सर ब्लैक मैजिक का सिंटम्स सिंटम्स क्या होगा कि आदमी पीड़ित होगा जो भी योग उसकी कुंडली में फले फलेचोरा होगा होगा ही नहीं जादू टोनों की वजह से जब तक आप उस असर को नहीं काटोगे ये आपको कुंडली नजर आ रही है क्या सबको नहीं अभी नहीं आ रही है नहीं ओके okay. अब आई नजर जी सर इस व्यक्ति पे पहले हम ये देखते हैं कि राहु या शनि का संबंध आठवें घर से है या नहीं है यहां हम आठवें सीएसएल को बढ़ते हैं कौन बना हुआ है आठवां सीएसएल और उसका एनएल नजर आ रहा है आप लोगों को शनि और राहु राहु okay. तो इस व्यक्ति पे पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक मैजिक हो जाएगा ठीक है सर अगर सिर्फ शनि होगा तब भी होगा शनि या राहु कोई भी हो अगर दोनों हो जाएगा तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा मीना जी बढ़ जाएगी ठीक है जी जी सर ओके अब आपने देखा अब हम शनि की स्क्रिप्ट में जाते हैं शनि का एन कौन है शनि या टैलेंटेड प्लेनेट है मैंने आपको बताया रूल के जहां उसका नक्षत्र लॉर्ड बैठेगा वो घर के व्यक्ति के द्वारा इस पे जादू टोना हो सकता है कहा बैठा है भाव चलित में चंद्रमा तीसरे घर में ठीक है तीसरे घर में बैठा है इसके छोटे बहन भाइयों के द्वारा इस पे जादू टोना हुआ था इस बंदे का व्यापार बंद हो गया कार डीलरशिप तक बंद हो गई जिसकी टर्नओवर हजार करोड़ की थी ये करता है ब्लैक मैजिक और ये कुंडली किसी और की नहीं मेरी है कंजंक्शन में कौन कौन है भाई मून है मां तो नहीं करेगी फीमेल ग्रह है बहन कर सकती है शनि भी किस राशि में बैठा है वीनस की तो कहीं ना कहीं बेसिकली इसके भाई ने और इसकी बहन ने मिलके इस पे ब्लैक मैजिक कर ठीक है जी तो ऐसे आप ब्लैक मैजिक को पढ़ सकते हैं जब तक इस व्यक्ति ने उस ब्लैक मैजिक का इलाज नहीं करा तब तक ये स्टेबल नहीं हुआ सो so, ये हमारी थी स्लाइड इस पे अब हम आगे चलते हैं क्योंकि तो क्लास थोड़ी लंबी है आज हमारी टॉपिक्स हमने खत्म करने हैं सवाल किसी का होगा वो हो, मैं ले लूंगा औरत भी बच्चे सर बुध का दशा में टाइम वो इसका हुआ सर ये शनि की दशा में हुआ जब शनि आया ओके 2010 में इस व्यक्ति के साथ ठीक है तो ऐसे आप जानेंगे जी ब्लैक मैजिक कौन किस पे कर सकता है अब आप कैसे जानेंगे कि ये किसी मरे हुए व्यक्ति की कुंडली है आपके पास कोई कुंडली दिखाने आता है और आपसे मजे लेने की कोशिश कर रहा है आप कैसे जानेंगे कि ये कुंडली किसी मरे हुए व्यक्ति की है जब भी आपको डाउट होगा कि भैया ये जो व्यक्ति मेरे से कुंडली दिखाने आया है ये मेरे से मजे ले रहा है और मेरी टेस्टिंग कर रहा है और उसने मरे हुए व्यक्ति की कुंडली मेरे सामने रख दी है तो आप उसी समय प्रश्न कुंडली बनाएंगे और आप देखेंगे कि फर्स्ट लॉर्ड की या फर्स्ट सी एस एल की प्लेसमेंट कहाँ है आप लोगों को पता है कि हमारा जीवन धर्म त्रिकोण से चालू होता है एक पांच नौ राशियां होती हैं। उसके बाद काम त्रिकोण की तरफ हम जाते हैं दो छे दस राशियां होती हैं सॉरी कर्म त्रिकोण की तरफ जाते हैं दो छे दस राशि होती हैं फिर कर्मों के बाद हम काम त्रिकोण की तरफ जाते हैं जो तीन सात ग्यारह राशि होती हैं और एंड में कहीं जाके हम मोक्ष त्रिकोण में हम जाते हैं जो राशि होती हैं चार आठ बारह तो जब भी आपको डाउट हो आप प्रश्न कुंडली बनाइएगा और देखिए कि अगर लगन लॉर्ड यह फर्स्ट सीएसएल लॉर्ड वॉटरी साइन में बैठा है जो कि होता है चार आठ बारह तो आप बोल सकते हैं कि ये किसी मरे हुए व्यक्ति की कुंडली है रूल से मेक अ प्रश्न कुंडली इफ यू गॉट डाउट उस प्रश्न कुंडली से हम डिवाइन हेल्प ले रहे हैं भगवान की और उस टाइम अगर लगन लॉर्ड चार आठ बारह वॉटरी साइंस में होगा तो आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जिसकी कुंडली आपके सामने रखी है वो एक मरे हुए व्यक्ति की कुंडली है क्योंकि ये जितने साइन है चार आठ बारह ये मोक्ष है ये इटर्निटी है ये गति है आठवा घर आपको बताता है आपकी मृत्यु का कारण क्या होगा बारवा घर आपकी मृत्यु है चौथा घर गति है द वे ऑफ मृत्यु तो जब भी प्रश्न कुंडली आप जब बनाएंगे और आपको डाउट है कि ये व्यक्ति मेरे से मजाक कर रहा है तो हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से हेल्प लेंगे कि ये कुंडली किसी मरे हुए व्यक्ति की है या नहीं चलिए अब हम आ जाते हैं अपने एक और टॉपिक पे आज हाउ टू गेट रिड ऑफ मेंटल डिप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप सबको पता है कि आपके मन का कारक कौन है मन का कारक चंद्रमा है आपके सबकॉन्शियस माइंड का कारक चंद्रमा है आपकी फिकल माइंडनेस का कारक चंद्रमा है जब भी किसी व्यक्ति का इमोशनल इम्बैलेंस होता है तो वो डिप्रेशन की तरफ जाता है जब भी डिप्रेशन होता है तो आप पाएंगे आपकी बॉडी में एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं पॉली एसिड उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है विच कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंसेज इन योर बॉडी डिप्रेशन के अनेक कारण हो सकते हैं उन कारणों में से टेंशन गुस्सा फियर एंजाइटी, प्रेशर पॉल्यूशन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसोमिया ये सारे कारण एक डिप्रेशन के बन सकते हैं जब इन सोमिया जैसी प्रॉब्लम होती है स्लीपिंग जिसे हम बोलते हैं स्लीप प्रॉब्लम तो आपकी बॉडी में आप पाएंगे एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनी मेलाटोमी उसकी कमी आप पाएंगे उसकी वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है डिप्रेशन हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने चार्ट में कि ये व्यक्ति को डिप्रेशन होगी या नहीं होगी वी कैन चेक बाय सम कंजंक्शन ऑफ मून जब भी कुंडली में चंद्रमा हमारा वीक होएगा आठवें और बारहवें घर में प्लेस्ड होगा या चंद्रमा शनि के साथ युति में होगा मंगल के साथ युति में होगा राहु के साथ युति में होगा या केतु के साथ युति में होगा या फिर बुद्ध के साथ भी होगा तो हम बोल सकते हैं के डिप्रेशन इस व्यक्ति को आ सकता है डिप्रेशन का कोई एक कारण नहीं हो सकता अनेक कारण हो सकते हैं। तो जिस आदमी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है बुद्ध बुद्धि है वो भी डिप्रेशन में जा सकता है तो जो डिप्रेशन के नंबर हैं, हमारा रूल बोलता है एक दो छ आठ जैसे नंबर इज सिग्निफाइड बाय योर लग्ना लॉर्ड एंड इट इज इन वॉटरी साइन और इन मून साइन देन द पर्सन विल बी टू डिप्रेशन द डिप्रेशन नंबर्स आर वन टू सिक्स एट जब शनि और चंद्रमा की युति होगी तब चांसेस हैं कि डिप्रेशन हो जाएगा एक व्यक्ति को और इनका डिप्रेशन का कारक क्या होगा इनका कारण ये होगा चंद्रमा शनि वाले कि ये हंड्रेड परसेंट ना अपने काम में परफेक्शन चाहेंगे दे वांट टू बी परफेक्शनिस्ट इन देयर वर्क और शनि एक दायरा है एक रिस्ट्रिक्शन है एक ब्लॉकेज है तो इनके थॉट प्रोसेस में एक ब्लॉकेज आ जाएगी उस ब्लॉकेज की वजह से इनका काम डिले होगा ये व्यक्ति लेजीनेस हो जाएंगे लेजी हो जाएंगे अपना फोकस छोड़ देंगे अपना डिसिप्लिन भूल जाएंगे उस कारणवश यह डिप्रेशन में जा सकते हैं दूसरा सेट जब मंगल और चंद्रमा की युति होगी आप लोगों को पता है चंद्रमा आपका मन है मंगल कॉन्फ्लिक्ट्स है लड़ाई झगड़ा है एग्रेशननेस है मंगल यूथनेस भी है मंगल क्विकनेस भी है तो ऐसे व्यक्ति जो भी काम करेंगे उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए कि भाई अभी मैंने पैसा जमा कराया है या आज इन्वेस्ट करा है कल ही मेरा डबल हो जाए तो ये कारण बनेगा उनका ओवर एग्रेशन का और वो जो एक्सपेक्टेशन रखेंगे क्विकनेस ऑफ रिजल्ट की उसकी वजह से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ये लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं क्योंकि मंगल कारक लड़ाई झगड़े का है चंद्रमा आपका मन है सो दिस कैन ऑल्सो लीड टू टेंशन एंड डिप्रेशन जब शनि चंद्रमा मंगल तीनों इकट्ठे होंगे देखो शनि खाली डिप्रेशन तक देता है वो ब्लॉक कर देता है आपका विजन माइंड प्रोसेस क्योंकि वो परफेक्शन चाहता है जब मंगल आता है तो उसमें वॉयलेंट बिहेवियर ले आता है लड़ाई झगड़े का तो जब भी अगर युवती चंद्रमा शनि मंगल की होगी तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में भी जाएगा और वॉयलेंटली बिहेव भी करेगा एक और सेट है चंद्रमा राहु ये डिप्रेशन भी देता है वॉयलेंट बिहेवियर भी देता है व्यक्ति को ये जो कॉम्बो है ये आदमी को डीप थिंकर बनाता है चंद्रमा राहु वाला इस आदमी को जो चंद्रमा राहु लेके चलता है उसको मैक्सिमम चाहिए दुनिया में ही वॉन्ट्स दिस एंटायर वर्ल्ड ही वॉन्ट्स ऑल द मेटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स ऑफ लाइफ हैज ओवर एक्सपेक्टेशन तो इस ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से इस व्यक्ति को फीयर आता है एन्जाइटी लाता है सो दिस बिकम्स अ कॉज फॉर हिज डिप्रेशन एंड वॉयलेंट बिहेवियर क्योंकि राहु एक धर्म है राहु ओवरनाइट धमाका है तो आप पाएंगे राहु चंद्रमा वाले चंद्रमा मन है राहु अटेंशन सीकर है तो ये व्यक्ति हमेशा अटेंशन सीक करेंगे जो ये देखेंगे वैसा इनका मन का प्रोसेस हो जाएगा सो व्हाट दे सी दे बिकम राहु चंद्रमा जो देखते हैं वो ये बनते हैं अगर ये अच्छा देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया चलेगा अगर ये बुराई देखेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बुरा हो जाएगा बट इस कॉम्बिनेशन में इनके इमोशंस कंट्रोल्ड नहीं रहते हैं ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं ये व्यक्ति उसकी वजह से राहु फियर एंजाइटी देता है भ्रम करता है पैदा चंद्रमा केतु यह भी एक डिप्रेशन का कारक है आप सबको पता है कि चंद्रमा केतु जो कॉम्बो होता है वो कहते हैं कि केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है तो यहां इस कॉम्बो में सोचो ग्रहण लग गया है ये एक अलगाव की सिचुएशन डिटेचमेंट की सिचुएशन पैदा करता है मन को आपके इम्बैलेंस रखता है आपने कोई काम करा आपका मन बहुत जल्दी उस काम से उब जाएगा तो ऐसे व्यक्ति जो लिखेंगे वो ही बनेंगे चंद्रमा केतु वाले वट एवर यू राइट यू बिकम दैट तो ये कॉम्बिनेशन को ठीक रखने के लिए जितना लिखेंगे अच्छा लिखेंगे ये कॉम्बिनेशन बढ़िया चलेगा वरना ये कॉम्बिनेशन एक अलगाव की स्थिति एक डिटेचमेंट की स्थिति एक सस्पेक्ट जनरेट कर देता है कि तू मैंने बहुत बार बोला है एक रिजेक्शन मोड में ले आता है हर चीज को ये रिजेक्ट करने लग जाते हैं किसी चीज को हाँ बोलते ही नहीं है जब ये लिखते रहेंगे तो ये लेट गो फीलिंग होगी एक सैक्रिफाइस मोड में होंगे वो अच्छा केतु होगा केतु एक बंधन भी है एक नॉट भी है तो अच्छा ही नॉट ट्राई कर देगा क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है इनका मन क्योंकि ग्रहण लगाता है केतु चंद्रमा को तो इनका मन कभी ठीक स्थिति में रहेगा ही नहीं जब तक ये केतु के अधीन नहीं हो जाते सो स्टार्ट राइटिंग ये कॉम्बिनेशन अच्छा काम कर सकता है नहीं तो डिप्रेशन तक आपको दे सकता है अब एक और कॉम्बो है हमारे पास मेंटल डिप्रेशन ये कॉम्बो है मरकरी राहु चंद्रमा ये आपको सुसाइडल टेंडेंसीज मेंटल इम्बैलेंस ये कॉम्बो आपको दे सकता है ये कॉम्बो इम्बैलेंस के साथ साथ आपको पागल बना सकता है इट कैन मेक यू गो मैड इस कॉम्बो को हम आगे डिस्कस करेंगे एक और सेट है जब आपका चंद्रमा वीक होता है वो सेट यह है कि जब चंद्रमा आठवें भाव में बैठता है या बारहवें भाव में बैठता है आपकी मन की शांति को इनस्टेबिलिटी प्रदान करता है आपका इमोशनल बैलेंस आपकी मन की शांति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है जब बारहवें में मैं बैठेगा ये आठवां चंद्रमा क्या है कि आपकी मन की शांति चंद्रमा मन की शांति है आपकी मन का पीस है तो जब चंद्रमा आठवें भाव में बैठता है कहीं ना कहीं मन बड़ा विचलित रहता है उस व्यक्ति का उसकी वजह से भी ये कोई डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है अगर चंद्रमा व एफिलेटेड हो गया बुरे प्लैनेट्स के साथ जो कि है राहु केतु शनि मंगल जितने मैलेफिक प्लैनेट्स हैं अगर उनसे एफिलेटेड हो गया तो डिप्रेशन आपको दे देगा अगर चंद्रमा बारहवें भाव में बैठता है ये भी एक कारण बनता है डिप्रेशन का ये आपको सोमिया जैसी स्लीपिंग प्रॉब्लम देता है बारवा घर बेडरूम है स्लीप है और ये दोनों वॉटरी साइंस हैं। तो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम दे सकता है जब भी चंद्रमा आठ में बैठे आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स मन अशांत हो इम्बैलेंस हो मन की शांति भंग हो तो आप किसी शमशान घाट से कब्रिस्तान से या क्रिमिनेशन ग्राउंड या ग्रेव यार्ड से एक कांच के बर्तन में उस शमशान घाट से बोरवेल का पानी लाइए अगर बोरवेल नहीं भी है जो भी वहां एक्वागार्ड या वाटर कूलर लगे हुए उनसे एक ग्लास के यूटेंसिल में उसको भर लीजिए और ग्लास के ढक्कन से ही कांच के बर्तन में कांच के ढक्कन से ढक के अपने घर में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए आपकी मन की शांति ठीक होने लग जाएगी चंद्रमा बारह वाले के लिए अगर स्लीपिंग प्रॉब्लम है ये व्यक्ति जब नहेगा पानी में थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, उससे ये नहाए अपना स्नान करे तो इसकी स्लीपिंग प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी तो जब भी चंद्रमा शनि से मंगल से केतु से राहु से एफिलेटेड होगा इफेक्टेड होगा तो आपको शनि की मंगल की राहु की केतु की नेगेटिव ओरा को रिमूव करना है नेगेटिव ओरा हम इनके दान से रिमूव करेंगे और चंद्रमा को हम स्ट्रेंथन करेंगे चंद्रमा को हम स्ट्रेंथन कैसे करेंगे हम चांदी का कोई